नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस साल पिछले साल की तुलना में अधिकतर सेक्टरों में सैलरी ज्यादा बढ़ेगी। लेटेस्ट ऑन सैलरी इंक्रीज सर्वे ने अनुमान लगाया है कि 2019 में सैलरी इंक्रीमेंट 9.7% होगा, जबकि पिछले साल यह 9.5% था। सर्वे के मुताबिक बेहतर काम करने वालों की सैलरी और इंक्रीमेंट दोनों बढ़ेंगे। हाई परफॉर्मेंस और अलग अलग स्किल वाले लोगों को औसत परफॉर्म करने वाले नौकरी पेशा लोगों से 2.53 गुना ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा। एओन के सर्वे में कहा गया है कि सैलरी इंक्रीमेंट के लिए जिन 5 टॉप स्किल्स को देखा जाएगा उनमें डेटा एनालिटिक, डिजिटल, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और मशीन लर्निंग व साइबर सिक्योरिटी शामिल है। जिन सेक्टरों में सबसे बेहतर इंक्रीमेंट होगा उनमें कंज्यूमर इंटरनेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, वित्तीय संस्थान, हाईटेक और आईटी सेक्टर शामिल हैं। देश में किए गए सबसे बड़े अध्ययन में से एक में देश भर की 20 इंडस्ट्री कंपनियों के डेटा कलेक्ट किया गया। इनमें से करीब 16 ने पिछले साल की तुलना में समान या फिर ज्यादा इंक्रीमेंट की बात कही। 2019 के चुनावी साल को भी इसकी एक वजह माना जा रहा है। अधिकतर इंडस्ट्री जैसे विज्ञान, रसायन, एनर्जी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल, इंजीनियरिंग डिजाइन अंडर मैन्युफैक्चरिंग अम्ब्रेला एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, हाईटेक, रिटेल और सर्विस सेक्टर के अंदर आने वाले वित्तीय संस्थानों में 2019 के लिए ज्यादा सैलरी बजट रखा गया है। एओन में हेड ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स आनंद रूप घोष ने कहा, चुनावी साल के चलते खास तौर पर उन कंपनियों के इंक्रीमेंट बजट पर असर पड़ सकता है जो जून जुलाई की अप्रेजल साइकिल को फॉलो करती हैं। घोष ने कहा कि पूरे एशिया में पिछले एक दशक के दौरान भारत में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट दिया जा रहा है और यह ट्रेंड आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद है। हालांकि पिछले कुछ सालों में 2 अंकों में इंक्रीमेंट देने वाले सेक्टरों में कमी आई है। हालांकि 5 सेक्टर, कंज्यूमर इंटरनेट कंपनियां, प्रोफेशनल सर्विसेज, लाइफ साइंस, ऑटोमोटिव और कंज्यूमर प्रोडक्ट 2019 के लिए 2 अंकों में इंक्रीमेंट देने की योजना बना रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना न भूले।